नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मुकाम न्यूज, मतलब खबरें आपके काम की। जरा सोचिए कि आप 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पर कार ड्राइव कर रहे हो और आगे जा रहे वाहन से मात्र 10 मीटर की दूरी पर हो, तभी अचानक आपकी गाड़ी का ब्रेक चला जाए। ब्रेक न लगे तो आप क्या करेंगे? ऐसे वक्त में अच्छे ड्राइवर का दिमाग काम करना बंद कर देगा। लेकिन ऐसे वक्त में होश खोने की बजाय समझदारी से काम लेंगे तो आप संभावित दुर्घटना से भी बच सकते हैं और अपनी गाड़ी को भी रोक सकते हैं। ब्रेक फेल होने की स्थिति में आप चाहे तो मात्र 8 सेकंड में अपनी कार को रोक सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि ऐसे कौन सा विकल्प है जिनके सहारे आप आपात स्थिति में अपनी गाड़ी को कंट्रोल में रख सकते हैं। बट आमतौर पर ब्रेक फेल हो जाने से पहले ही गाड़ी को संकेत देने लगती है, हालांकि कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं, जो जान पर भारी पड़ सकती है। आमतौर पर ब्रेक लगाने पर ब्रेक पैड आवाज करने लगते हैं, वहीं कई बार बैक कैलिपर जाम होने लगते हैं, कई बार अचानक ब्रेक वायर टूट जाती है या फिर मास्टर सिलेंडर लीक होने लगता है, जिससे ब्रेक को जरूरी दबाव नहीं मिल पाता। वहीं कई बार तो ब्रेक फ्यूल लीक होने लगता है, लेकिन ऐसे होने पर डैश लाइट पर वार्निंग लैंप जलने लगता है तो संकेत है कि ब्रेक की सेहत ठीक नहीं है और आपको तुरंत इसे दुरुस्त करा लेना चाहिए। हालांकि इसके बावजूद भी अगर आपका ब्रेक कभी कभी संजोगवश गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए तो आप सबसे पहले जो पहला विकल्प है वो यह है कि गाड़ी की गति को कम करें और उसे नियंत्रित करें। इसके लिए आप बार बार ब्रेक पैडल पर पांव मारें। कई बार होता है कि ऐसा करने से ब्रेक्स को समुचित दबाव मिल जाता है और ब्रेक काम करना शुरू कर देते हैं। अगर गाड़ी टॉप गियर में रख चल रही है तो उसे लोअर गियर में लेकर आए, हो सके तो पहले गियर में लाए, लेकिन अनुक्रम न तोड़े, यानी सीधे 5वें से पहले गियर पर न लाए। न्यूट्रल में बिल्कुल भी न चलाएं, क्योंकि इससे आप गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। कुछ लोग घबराहट में रिवर्स गियर लगा देते हैं, लेकिन ये बेहद घातक साबित हो सकता है। आपके पीछे आ रहे वाहन हादसे का शिकार हो सकता है। अब सबसे इसके अलावा आप ये ध्यान रखें कि आपको केवल क्लच का इस्तेमाल करना है और एक्सीलेटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपकी कार ट्रैफिक में है तो दूसरे लोगों को हॉर्न, हैजर्ड लाइट, इंडिकेटर और हैंड लैंप स्टीपर के जरिए आगे और आसपास के लोगों को संकेत दे, इससे जोखिम कम होता है। कुछ एक्सपर्ट यह भी सलाह देते हैं कि ऐसी स्थिति में गाड़ी का एयर कंडीशन को चालू कर दें, इससे इंजन पर दबाव बढ़ेगा और गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी। वहीं बाकी हेडलाइट्स, हैजार्ड लाइट जलाने से बैटरी की पावर सप्लाई कम होगी। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जहां साइड में रेत या मिट्टी आदि है तो आप सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल करते हुए रोड साइड में रेत या बजड़ी पर गाड़ी चला दें, इससे काफ़ी हद तक स्पीड आपकी गाड़ी की कम हो जाएगी। हैंड ब्रेक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसे मुश्किल हालात में हैंड ब्रेक आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं, लेकिन उनके इस्तेमाल का तरीका भी आना चाहिए। देश में ज़्यादातर बिकने वाली गाड़ियाँ मैनुअल हैंड ब्रेक के साथ आती हैं। इस दौरान गियर बदलते समय हल्के हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करें। जब आपकी कार पहले गियर में आ जाए, रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास हो, तो आप सीधे हैंड ब्रेक खींच कर रफ्तार को काबू कर सकते हैं। हाई स्पीड में हैंड ब्रेक के तुरंत इस्तेमाल से बचें। कई बार अचानक हैंड ब्रेक लगाने से पिछले के पहिया लॉक हो जाता है और कार के पलटने का खतरा बना रहता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा यह लेख काफ़ी पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। धन्यवाद।